अस्सलामुअलैकुम, यह है खबर की दुनिया और मैं हूं समीना पाशा। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कराची मेलियारी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक उलट गया, मुसाफिर नदी में जा गिरे, 7 अफराद जाम बहक, 3 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। परवेज रशीद का कहना है कि दुश्मन मुल्क ने भी हमारे कैदियों की गर्दनें नहीं काटी, शरीयत लाने वाले बताएं क्या कैदियों के साथ ऐसा सलूक होता है। हुकूमत के सख्त मौकिफ के बाद कलदम तहरीक तालिबान ने जंग बंदी के लिए शराइत पेश कर दी, कारकुनों का कत्लेआम और गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। पिशावर में साबिक सूबाई वजीर हाजी जावेद के घर के करीब धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक्स की हिफाजत अब ड्रोन करेंगे, स्पेन की तर्ज पर ट्रेन, रेलवे स्टेशन और ट्रैक के हिफाजती इकदाम पर गौर। शिमाली वजीरिस्तान में मजीद 2 बच्चों में पोलियो की तस्दीक, रमासाल वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 17 हो गई। और मुंबई के शहरी को झूठ बोलकर दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया, बीवी ने शौहर की सरेआम दुर्गत बना डाली।